आज हम बचे हुए कपड़ों से एक बच्ची की फ्रॉक बनाएंगे। राधे राधे सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सपना सिलाई सखी में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें, और कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। सलवार का और मेरे पास कुर्ती का दोनों का कपड़ा थोड़ा थोड़ा बचा था, तो हम दोनों को मिलाकर बनाएंगे। ये मैं इसे अपर निकाल रही हूँ, ऊपर वाला फ्रॉक का पार्ट। पाँच से छः साल के बच्ची के लिए बना रही हूँ मैं। 2 इंच का गला, 5 इंच के ये रखेंगे हम इसकी लंबाई, और 5 इंच हम रखेंगे इसके तीरा ऊपर से शोल्डर। आगे से ये थोड़ा ऊंचा बड़ा हो रहा है, तो हम आगे से इसमें डिज़ाइन डाल देंगे। आजकल फैशन में भी चली हुई है आलिया कट। इसको हम ऐसे तिरछा काट देंगे। आप भी बना सकते हैं बचे हुए कपड़ों से अपने बच्चों के लिए, या फिर कुछ भी बना सकते हैं, एक आपको आइडिया मिल जाएगा। ये आगे का हो गया हमारा। इसमें हम ये वाला कपड़ा लगाएंगे नीचे बॉटम में, इससे हम बाजू बनाएंगे। बाजू की वीडियो मैंने डाल दी है अलग से, बटरफ्लाई बाजू है, मैंने एक वीडियो और इसके यूट्यूब पर डाली है, आप मेरे चैनल पर जाकर देखें। हम इसके दो पार्ट निकालेंगे, एक छोटा एक बड़ा, 1 इंच से छोटा करेंगे। अब इस पे हम गोटा पट्टी लगा लेंगे। बाजू हमारी तैयार हो गई हैं दोनों। इसके बाद हम इन नीचे वाले फ्रॉक के हिस्से को जोड़ेंगे ऊपर वाले हिस्से से। ये पीछे का जोड़ रही हूँ मैं, अभी पीछ से निशान लगाएं। प्लेटें थोड़ी कम आ रही हैं, कपड़ा कम था, पर हो जाएगा। बहुत सुंदर फ्रॉक बनी है, आप लास्ट लुक देख के जाएं इसका फाइनल लुक। ये मैंने आगे भी जोड़ लिया है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। लेस लग गई है, बाजू अटैच करेंगे। थोड़ा सा आगे वाले हिस्से को हम कट कर लेंगे, जैसे हम अपने कुर्तियों में करते हैं, बच्चे के में भी ऐसा ही करें, नहीं तो वो पीछे भागेगा। थोड़ी सी बाजू में भी कटिंग कर लेंगे हम, हल्की सी आगे की साइड में। अगर नहीं बैठ पा रहा था तो बाजुओं को ही और कटिंग कर लेंगे हम साइडों से। अब हम नीचे से इसको जोड़ लेंगे साइडों से। फाइनल लुक है ये हमारा। थैंक यू सो मच, कितनी प्यारी बनी है।